सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा में कहा कि कल सरगुजा में भाजपा के प्रभारी ओम माथुर ने ईडी की कार्यवाही पर कहा, अभी चुनाव आते तक देखिए क्या क्या होता है। भाजपा प्रभारी का यह बयान साबित करने के लिए काफी है कि भाजपा ईडी के बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। ईडी की कार्यवाही चुनाव को देख कर हो रही है। एक विभाग में गड़बड़ी नहीं पकड़ पाते, दूसरे में लग जाते हैं। कोल आबकारी, माइनिंग, बीएमएफ, चावल, अब सुना है जल जीवन मिशन, बिना किसी ठोस आधार के राज्य सरकार के सभी विभागों पर कार्यवाही। ये साबित करने के लिए छत्तीसगढ़ में हर जगह गड़बड़ी है, ये चुनावी हथियार है, इसको हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में इस तरह के बदलाव किए हैं जिससे ईडी अधिकारियों को असीमित अधिकार मिल गए हैं। ईडी जिसको चाहे सिर्फ आरोपों के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, उस पर भी विडंबना यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कानून अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिलने के प्रावधान भी एक तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। ईडी अधिकारी बिना किसी कारण बताए कोई भी संपत्ति अटैच कर सकते हैं, उसके बाद वर्षों तक उसके छूटने की कोई संभावना भी नहीं रहती। उन्होंने कहा कि ईडी अधिकारियों के लिए यह भी बाएं हाथ का खेल है कि किसी भी गवाह से उसे जेल भेजने की धमकी देकर मनचाहा बयान लिखवा लिया जाता है। ईडी अधिकारियों के समक्ष हुए बयान को सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने हुए बयानों जितनी ही अहमियत है। गवाह को यह कहकर धमकाया जाता है कि वो या तो ईडी अधिकारियों के तैयार किए गए बयान या झूठी कहानी की पुष्टि अपने बयान में करे, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा, जहां उसे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। गवाहों की क्रूर पिटाई, उनसे गाली गलौज ईडी अधिकारियों के लिए सामान्य बात है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए, मैं पहले ही बोला, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब इतना बड़ा काम हम पिछले 1.5 साल से कर रहे थे तब चुप बैठे थे, लेकिन हम चुनाव नजदीक आ गया तो कैसे लोगों को रोकें, जो काम कर रहे हैं उसको कैसे उसमें बाधा डाला जाए और सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, ये इनका मुख्य